हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एलवीडी रोबोटिक्स। आज हम आपको दिखाएंगे इस प्रोजेक्ट की सीरीज में होम ऑटोमेशन के लिए हम क्या बना सकते हैं। होम ऑटोमेशन के लिए आज हम बनाएंगे लाइट कंट्रोल करेंगे ब्लूटूथ के थ्रू। तो इसके लिए जो हम कंपोनेंट यूज करेंगे उसके लिए हमारे पास ये ब्लूटूथ आर्डिनो रिले ट्यूबलाइट, या हम एलईडी यूज करेंगे ट्यूबलाइट की जगह, और एक एसी पावर सोर्स। और इसके अलावा हम यूज करेंगे एक आर्डिनो ब्लूटूथ कंट्रोल ऐप। तो चलते हैं इसके कनेक्शन की तरफ। फर्स्ट हम कनेक्ट करेंगे आरएक्स को, ब्लूटूथ के आरएक्स को कनेक्ट करेंगे हम आर्डिनो के पिन नंबर 11 से। ये देखिए, ये हमने कनेक्ट किया है। इसके बाद हम टीएक्स को कनेक्ट करेंगे ये टू आर्डिनो के पिन नंबर 10 से। ये देखिए हमने कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम कनेक्ट करेंगे वीसीसी को। ब्लूटूथ का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 3.3 से 6 वोल्ट के बीच में होता है, तो हम इसको कनेक्ट करेंगे 5 वोल्ट से। हमने कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए हमने वीसीसी को भी कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हम ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे ग्राउंड से। इस तरह ब्लूटूथ और आर्डिनो का कनेक्शन हो चुका है। अब कनेक्ट करेंगे हम रिले को। ये देखिए रिले का ये नॉर्मली ओपन पोर्ट हो गया। ये नॉर्मली कनेक्ट हो गया और ये कॉमन जो हम रिले को सप्लाई देंगे वो इस पे मेन पे देंगे। ये देखिए ये इसका मेन पोर्ट है, तो इस पे हम 5 वोल्ट अप्लाई करेंगे। ये देखिए हमने कनेक्ट कर दिया है और ये इसका कॉमन हो गया ग्राउंड। ये हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया। ये देखिए हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम कनेक्ट करेंगे अपने सप्लाई लोड को हम रोटेट करते हैं। पहले हमने रोटेट किया, हम कनेक्ट करेंगे नॉर्मली ओपन को। क्या लोड के किसी भी एक टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और लोड का दूसरा टर्मिनल हमारा कनेक्ट होगा। ये देखिए हम कनेक्ट करेंगे ट्रांसफार्मर के एक टर्मिनल से। ये हमारा कनेक्ट हो गया और जो रिले का कॉमन टर्मिनल होता है उसको कनेक्ट करेंगे हम। ये हमारा कॉमन टर्मिनल हो गया इसका, इसको कनेक्ट करेंगे हम कॉइल के सेकंड टर्मिनल से। इस तरह हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो गया है।
अब चलते हैं हम इसके फिजिकल फॉर्मेट की तरफ, जहाँ पे हम देखेंगे हमने कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया है। देखिए दोस्तों, ये हमारा फिजिकल फॉर्मेट है हमारे प्रोजेक्ट का। हमने, जैसे मैंने आपको बताया था, हमने इसमें एक आर्डिनो यूज़ किया है, आर्डिनो मेगा यूज़ किया है, उसको हमने ब्रेडबोर्ड पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। उसके बाद हमने एक ब्लूटूथ मॉडल भी यूज़ किया है इसमें। देखिए हमने RX TX और इसका VCC एंड ग्राउंड को कनेक्ट किया है, ये देखिए। और इसमें हमने एक रिले यूज़ किया है, जैसे मैंने आपको बताया था, उसके साथ में हमने एक LED ट्यूबलाइट यूज़ किया। देखिए LED, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक टर्मिनल रिले का और एक टर्मिनल हमने लोड का कनेक्ट करेंगे AC सप्लाई के साथ। तो चलते हैं अब इसके कोड की तरफ। हेड को कंट्रोल करने के लिए हम एक ऐप का यूज़ करेंगे, ब्लूटूथ आर्डिनो ब्लूटूथ ऐप का। तो हमने जो जिसको डाउनलोड कर लिया है, अब देखिए हम चलते हैं इसके कनेक्टिंग की तरफ। ये हमारा ऑलरेडी कनेक्ट है, तो इसके हम टर्मिनल में जाएंगे। जैसे ही हम कमांड शो करेंगे इसमें 1, तो हमारा लाइट ऑन हो जाए। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा भी आ रहा है लाइट ऑन, और जैसे ही 2 प्रेस करेंगे हम तो लाइट ऑफ हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास और भी फंक्शन से बटन्स के थ्रू हम इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और देखिए यहाँ वॉइस कंट्रोल भी हो सकता है, कंट्रोलर के थ्रू, टाइमर के थ्रू और टाइम डिमर के थ्रू भी हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। चलते हैं, देखिए आप, देखिए दोस्तों, हम अब ऐप के थ्रू लाइट को कंट्रोल करेंगे। हम टर्मिनल पे क्लिक करते हैं, टर्मिनल पे क्लिक करने के बाद हम 1 कमांड देंगे, जैसे हमने अपने प्रोग्राम में सेट किया था। उसके बाद एंटर करेंगे, देखिए एंटर करने के बाद कैसे हमारी लाइट ऑन हो गई। और यहाँ पे हमारा लिखा भी आ रहा है लाइट ऑन। जैसे ही हम 2 कमांड देंगे, देखिए हमारी लाइट ऑफ हो गई। इसी तरह हम किसी भी ऑटोमेशन में इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।